हैदराबाद के अंदर ना गाड़ी लेके घुसना, मतलब ये समझ लीजिए आप लोगों को ना लाखों लोगों से जंग करना। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हम्पी। तो सुबह के बज रहे हैं 5:25। तो यहाँ से मैं निकलने की पूरी प्रिपरेशन कर चुका हूँ, अब बस मुझे यहाँ से तैयार होना है और निकलना है यहाँ से। तो कहाँ निकलेंगे? हैदराबाद निकलेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से वापस हैदराबाद। भूख भी बहुत ज़ोर से लगी हुई है और टैनिंग होने के बाद मैंने बॉडी में इतना सारा सनस्क्रीन लगाया हूँ ना कि पूरा चेहरा वाइट 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 दिख रहा है, कबूतर जैसा। बाइक रेडी है और उस साइड में ना बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही मोरों की, क्योंकि तो बाउंड्री है ना, बाउंड्री के पीछे ना वहाँ से बहुत सारी मोरों की आवाज़ आ रही है। और हम लोग वैसे भी ठहरे भी जैसे होटल में थे वहाँ पे पूरा जंगल के बीच में ही था, अभी वहाँ पे आ रहा था तो मेंढक आ रहा था। You don't see the things I see. Tell you things you won't believe. Above the skies, overseas, I hear them all those places call. हो गई पूरी बाइक लोड, यहीं 5 मिनट हो गया लोड करते करते। पता नहीं पहले अगर पैडल बाइक रहता तो क्या करता, वो तो पहन रहा था टॉप बॉक्स तो सब जल्दी जल्दी होने लग गया पहले से। अब राइडिंग गियर पहनते नहीं नहीं बोलते बोलते सुबह के 6 बज गए यहाँ से निकलते निकलते। यार सुबह के 6 बज गए, बाजू के गार्डन के पीछे हैं मोर चिल्ला रहे और चलिए यहाँ से। हाँ और टैंक कल रात में मैंने 1000 रुपये का और पेट्रोल भर लिया था तो याद रखिएगा। तो हम लोग चेकआउट कर रहे हैं हमारे होटल से, बाय बाय होटल, अब वापस हैदराबाद। To never give up, to never back down. You get through the storm, even the nights the darkest before the dawn. Live your life, live your dream. देख रहे हो एंट्रेंस कितना बड़ा था होटल से लेके यहाँ तक के में, इतना बड़ा होटल है ये। हाँ तो जी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AKA रेडी टू राइड। हम चल दिए बैक टू होम के सफर। तो विजयनगर एम्पायर को बाय 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 बाय, मेरे को दिखा नहीं रहा था वो। 7:23 बता रहा है यहाँ से, अब देखते कितने बजे पहुँचेंगे और करेक्ट 6 बज रहे हैं, यानी कि 1 बजे यानी 1:30 बजे के करीब करीब बोल रहा है कि हम लोग पहुँचेंगे कहाँ, घर हैदराबाद। सुबह सुबह अगर मैं यहाँ की सारी मेन सिटीज़ को कवर कर लूँगा ना तो फिर तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और सुबह सुबह गर्मी भी कम है अभी, कल तो भाई झुलस गई मेरी चमड़ी यार, इतना सारा सनस्क्रीन मैंने इसलिए लगाया आज। हाँ तो लिखा हुआ है थैंक यू विजिट अगेन विजयनगर मेन एंट्रेंस कमलापुर टाउन, तो जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे वो कमलापुर था। सामने जो सूरज का रिफ्लेक्शन आ रहा है ना कुछ दिख ही नहीं रहा है, एकदम सूरज स्ट्रेट में है मेरे। और सही जगह से पेट्रोल भरा हो ना, और अच्छा गाड़ी के अंदर पेट्रोल हो तो एवरेज बहुत अच्छी देती है गाड़ी, 325 किलोमीटर बता रहा है, इसका मतलब है कि एवरेज कितना अच्छा दे रही है बाइक। तो इसका मतलब है पेट्रोल सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब से हम्पी से निकला हूँ ना तब से हर 5 किलोमीटर पर एक गाँव आएगा और गाँव के अंदर कम से कम 4 ब्रेकर। ऐसा गुस्सा आ रहा है कि क्या बताऊँ यार, ब्रेकर ही ब्रेकर, ब्रेकर ही ब्रेकर, हद कर दिए यार, इतने ब्रेकर बनाने की क्या जरूरत है यार। One long angry line later. फिर से वही होटल में जी, ब्रेक लेते हुए है को यहाँ का खाना बहुत पसंद आया था, बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ट्रक रश बहुत ज़्यादा मिला सुबह सुबह के टाइम पर और यहाँ पे पहुँचने में पूरे 2 घंटे लगे 130 किलोमीटर में। आप बाइक को तेज चला ही नहीं सकते यहाँ का जो ट्रक रश है, और हर 10 किलोमीटर हर 5 किलोमीटर में एक गांव आ जाता है जहाँ पे कम से कम 4 ब्रेकर, और 4 ब्रेकर छोटे छोटे नहीं है, बहुत बड़े बड़े ब्रेकर है जिसको क्रॉस करने के लिए पूरी स्पीड ड्रॉप करनी पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा रोड बहुत अच्छे हैं लेकिन ब्रेकर की वजह से गांव की वजह से स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। फिर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच करा, करीब 2 घंटा, 6 बजे निकला था और 8:01 पहुँच के काफ़ी समय हो चुका है मेरे को। यहाँ पे मेरा आने वाला है खाना का पूरा सामान फैल जाता है और बेबी जीएस देखो कितनी।
रिकमेंड करूँगा ये होटल के लिए। जैसे ही रोड से जाओ आप तो पक्का यहाँ पे आओ। यहाँ से अगर हैदराबाद जा रहे हो तो 251 किलोमीटर और हैदराबाद से इधर आ रहे हो तो 130 किलोमीटर पहले ये होटल है। बहुत ही ऑसम होटल है। सोचो कि जब मैं आ रहा था तब भी मैं यहाँ रुका, अब जा रहा हूँ तब भी मैं यहाँ रुका हूँ। हॉस्पिटैलिटी वगैरह से लेकर हर चीज़ परफेक्ट है यहाँ पे। आने का यहाँ पे रुकने का। Few moments later. हाँ तो जी, मेरा खाना वाना हो गया, अब वहाँ से पैकिंग और अब सीधा स्टॉप लूँगा मैं हैदराबाद के अंदर। उसके पहले नहीं रुकने वाला, यानी सीधा विक्की के घर पे। तो चलो गोप्रो में। यहाँ पे पूरे नए नए बोल के तो अभी पूरा 40 मिनट का ब्रेक हो गया यार, इसलिए ब्रेक लेने का मूड नहीं होता यार। फिर 40 मिनट का ब्रेक बहुत ज़्यादा लंबा हो गया मेरे ख्याल से। ये देखो ब्रेकर, ये देखो ब्रेकर, एक और देखकर ये, फिर एक और ब्रेकर। हाँ तो ब्रेकर से याद आया, जब भी कहीं स्टॉप लेते हैं ना, जैसे अभी 40 मिनट का स्टॉप होटल में लिए थे हम लोगों ने, तो क्या होता है पता है आपको? अरे यार फिर ब्रेकर। तो क्या होता है पता है कि ऐसा लगता है ना कि यार कुछ छूट तो नहीं गया। मोबाइल है? हाँ है। पर्स रखा, खोल के देखो, हाँ है। और एक बार नहीं, दो दो बार रीचेक करना पड़ता है। बाप रे, ज़बरदस्ती निकाल रहे भाई पैसा। सड़क में खड़े होगा बीच रोड पर, बैक तो नहीं छूटा। अरे कैमरा है? दोनों कैमरे अवेलेबल है कि नहीं है? लेंसेस ठीक है कि नहीं है? टॉप बॉक्स पैनल सही तरीके से लगाए कि नहीं है? पर्स तो छूटा नहीं? कैमरे गियर्स है कि नहीं? फिर उसके बाद क्या नाम है, बैटरी मैंने निकाला था तो वही कि वापस रखा कि नहीं रखा? उठने से पहले दो बार देखना पड़ता। कई बार दिमाग से निकल गया, अरे अगर छूट गया तो फिर वापस जाना पड़ेगा लेने के लिए। अरे क्या क्या दिमाग में चलता है बाइक चलाते समय। दोनों साइड में खुले ग्राउंड है ना, खेत है, यहाँ कुछ है नहीं। इस साइड में भी देखो पूरा खुला है, इस साइड में भी देखो पूरा खुला है। और ये जैसे ही खुला हुआ मैदान आता है ना, इतनी तेज विंड, कल आ रहा था तो राइट साइड से आ रही थी और गाड़ी राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जा रही थी। अभी देखो लेफ्ट साइड से विंड इतनी ज़्यादा तेज है कि हल्की सी तिरछी चल रही है बाइक और राइट साइड में जा रही बाइक। अगर आपको समझना है तो ये झाड़ों को देख लो कितने ज़्यादा झुके हुए इस साइड में, देख रहे हो पूरे के पूरे झाड़ की कदर। तेज हवा ही चल रही है इस साइड, इवन मेरे को बाइक तक के ऐसी चल रही है, एकदम ऐसी चल रही है, हल्की सी ऐसी चल रही है मेरी बाइक, इतनी तेज विंड से। जो पहली रिवर तो हुई, ओ शिट, ऐसे ब्रेकर ही ब्रेकर रहे, परेशान हूँ मैं यहाँ की ब्रेकर से। यह है अशोक स्तंभ, फिर से वही, जिसने मेरा थर्ड ब्लॉक देखा वो हाई बटन में जाके देख लेगी। और क्या लग रही है यार रिवर, अपनी महाराष्ट्र की सारी रिवरें सूख जाती है मोस्टली, और यहाँ की रिवरें अभी तक के गीली है। गीली मतलब अभी यहाँ की रिवर में पानी है। तो ये नदी यहाँ पे ख़त्म। हम्पी में, हम्पी से 200 किलोमीटर दूर था बीजापुर। बीजापुर में पहले जा चुका था, और जब मैं रिटर्न आ रहा हूँ ना, अब यहाँ से वापस जा रहा हूँ हैदराबाद, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बीजापुर क्यों नहीं चले गया, क्योंकि यहाँ से 400 किलोमीटर दूर यहाँ से हम्पी से हैदराबाद था और 200 किलोमीटर दूर वहाँ था बीजापुर था। और बीजापुर इतनी खूबसूरत सिटी थी, गलती कर दिया बीजापुर ना जाते हुए। और उधर से बीजापुर से होते हुए जाता घर की तरफ, तो वो मेरे को बहुत इजी और आसान पड़ता, बल्कि ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट रूट रहा। मेरे को एक बार और देखना था बीजापुर, बहुत खूबसूरत है बीजापुर। वो हिस्टोरिकल पैलेस के हिसाब से बहुत जगह है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी उसका नाम है। रास्ते में जब चल रहा था तब मेरा दिमाग चला, यार मैंने उस साइड में क्यों नहीं डाल दिया, और दो घंटे में बीजापुर पहुंच जाता 200 किलोमीटर में। और वहाँ एक दिन स्टे करता, बीजापुर मस्त घूमता, फिर वहाँ से सोलापुर होते हुए, सोलापुर से 700 किलो अमरावती हाईवे होते हुए सीधा घर। बताओ यार, मैंने अपने आप के ऊपर ही ना कई बार ऐसा लगता है कि इतना बड़े लोगों से मैं कैसा हो सकता हूँ। यहाँ पे शायद 4th-5th टाइम मैं पेट्रोल भर रहा हूँ। कितने बार पेट्रोल भर लेता मेरे को होश ही नहीं रहता। अभी वैसे देखा जाए तो उसमें 150 किलोमीटर और बाइक चलेगी, लेकिन फिर भी मैं सोचा क्योंकि हाईवे पे भरता नहीं भरता, इसलिए मतलब यहीं भर लेता हूँ। यहाँ पे पेट्रोल 111 रुपये है, तो 750 रुपये का पेट्रोल भर दिया हूँ मैंने। क्या बॉक्स में? क्या है बॉक्स में? मेरा सामान है। हाँ, यहाँ सब ने मेरे को घेर लिया है। यहाँ से है 162 किलोमीटर अब हैदराबाद तक के, नो टेंशन।
सीधा गाड़ी चली जाएगा, पेट्रोल का भी टेंशन नहीं है उसमें। अभी बहुत सारा पेट्रोल था लेकिन फिर भी मैं बोला रुको तो भर ही लेता हूँ, रिस्क नहीं लेना था मेरे को। अब यहाँ से 162 किलोमीटर हैदराबाद, ये समझ लीजिए आपको 280 किलोमीटर सिंगल लाइन पे गाड़ी चलाना पड़ेगा हम्पी जाने के लिए। ओ वाह, फाइनली 4 लेन को देख के मेरे को खुशी हुई। अरे वाह जी वाह, क्या बताऊँ आपको, 4 लेन देख के कितनी खुशी हो रही है मेरे को अभी, क्योंकि यहाँ पे ना गाड़ी को आप दिल खोल के स्ट्रेच कर सकते हैं। तो कर लो स्ट्रेच। मैं इतना खुश हुआ था 4 लाइन को देख के, इतना खुश हुआ था कि मैं क्या बताऊं आपको, मेरी कली कली खिल गई थी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सिंगल लाइन पे ही रहना चाहिए था मेरा पा, रीज़न बताऊं, क्योंकि लंबा ट्रैफिक है कम से कम 10 किलोमीटर का, और मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर से मैं इस ट्रक के पीछे 20 की स्पीड में चल रहा हूँ। यार खोल दे यार प्लीज, जाने दे। अरे खुल गया। कितने देर के बाद खुला है ट्रैफिक जाम। Much later. ये जो मेरे बाजू में आप देख रहे हो इसका नाम है हिमायत सागर लेक, हैदराबाद में एंट्री कर ली। अरे यार ट्रैफिक जाम। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि लंबा जाम ना हो। आप जब तक के सागर देखिए, हम जब तक के ट्रैफिक देखते हैं। अपने तो पूरी लोडेड बाइक है भाई, लोडेड बाइक के साथ निकलना बहुत मुश्किल है। तो जी वहाँ से थक थका के घर पहुँचे हम लोग, 12:30 बजे सोया, आराम किया, फिर अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। हैदराबाद के अंदर ना गाड़ी लेके घुसना मतलब ये समझ लीजिए आप लोगों को ना लाखों लोगों से जंग करना है, कारों बसों के साथ जंग करते हुए आपको हैदराबाद के अंदर एंट्री करना है। और इसी हालत टाइड हो गई थी, अपन सोए उठे और अब तो आप लोगों को पता है ना यहाँ तक कि अगर आप लोगों ने देख लिया तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के बटन दबा के रखने का है। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद यानी नेक्स्ट व्लॉग में।